हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शशांक तिवारी एंड दिस इज माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब के दो नए अपडेट के बारे में। दोस्तों, ये जो अपडेट है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एक अपडेट क्या पता आपको थोड़ा सा सैड कर दे। क्योंकि अगर आप भी एक यूट्यूब क्रिएटर हो और आप करते हो यूट्यूब से अर्निंग, तो यहाँ पे आपको एनालिटिक्स को लेके कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है आने वाले टाइम पे। तो दोस्तों, वीडियो क्या है, क्या अपडेट है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्किप मत करना, एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे दोस्तों जो पहला अपडेट है वो थोड़ा सा अच्छा है, कि यहाँ पे हुआ क्या है कि अगर जैसे कि हम लोग के YouTube प्लेटफॉर्म पे कोई भी वीडियो पे एड्स रन होते हैं, और अगर वो जो एड्स रन हो रहा है वो आपको इनअप्रोप्रिएट लगता है, वो ऐड आपको सही नहीं लगता है, अगर आपको उस ऐड में जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें कोई प्रॉब्लम दिखती है, तो आपको दोस्तों एक सामने आई बटन मिलता है जहाँ पे लिखा रहता है कि एड्स चल रहे हैं, जैसे वन ऑफ टू, उसके आगे काउंटिंग होती है कि इतने देर का ऐड बचा है। उसके आगे दोस्तों आपको एक आई बटन मिलती है जो इन्फॉर्मेशन बटन होती है, उस पर जब आप क्लिक करते हो दोस्तों तो आपको रिपोर्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों, ये जो फीचर है ये बहुत ही पहले से है। हम लोग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे किसी भी वीडियो को एडवर्टाइजमेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं, बट फिलहाल इस अपडेट के बाद हुआ क्या है कि इस रिपोर्ट वाले पूरे फीचर को, पूरे प्रोसेस को थोड़ा सा अपडेट कर दिया है। यहाँ पर आपको अब इस अपडेट के बाद अगर आप किसी एडवर्टाइजमेंट को रिपोर्ट करते हो तो आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे। थोड़ा सा मतलब इम्प्रूव किया गया है, बहुत ही अच्छा खासा इम्प्रूव आया है इस अपडेट के बाद। तो अगर आप किसी एडवर्टाइजमेंट को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो वो आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे। अब इसी के साथ दोस्तों बात करें अगर दूसरे अपडेट की, तो ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे कुछ शॉकिंग अपडेट लगा कि इसका फ़ायदा क्या हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों हुआ क्या है कि जैसे कि आप सबको पता है, हमारे जो अर्निंग होती है उसमें हम लोग YouTube एनालिटिक्स में जाके अपनी अर्निंग को चेक करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे अगर आपने एक तारीख को अर्निंग की, तो आपकी जो YouTube एनालिटिक्स होता है उसमें आपका रेवेन्यू 3-4 तारीख तक ऐड हो जाता है, मतलब मैक्सिमम 2-3 दिन का ही डिले होता है, उसके बाद आपका जो रेवेन्यू होता है वो जनरेट हो जाता है। बट दोस्तों यहाँ पे ये पता नहीं कैसा अपडेट है, इसके बाद YouTube ने बताया है कि आपकी जो एनालिटिक्स होती है उस पर जो आपका रेवेन्यू जनरेट होता है, अभी तक जैसे 3-4 दिन लगता था, अब आने वाले टाइम पे 7-10 दिन भी लग सकता है। अगर आपने एक तारीख को कुछ अर्निंग की तो वो 7th को या 10th तारीख को, जो 10th डेट होगी उस मंथ की, तब तक भी अपडेट हो सकता है आपके एनालिटिक्स में। तो ये दोस्तों मुझे कोई खास अपडेट नहीं लगा, बट आपको बताना ज़रूरी था इसलिए मैंने बता दिया। दोस्तों, ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे एंड यूजफुल वीडियोज़ अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।